नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर आर पांडे और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी। सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी पेशे से पत्रकार तो हैं ही, साथ ही एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आज कांग्रेस में जिस तरह की चर्चा चल रही है वो उनके नेता को लेकर, उनके पार्टी अध्यक्ष को लेकर चल रही है। कांग्रेस की कलह आने वाले चुनाव में या आने वाले वर्ष में कहाँ तक इस पार्टी को ले जाएगी, इस विषय पर चर्चा हम करते हैं श्री सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आप एक चीज़ बताइए कि अभी जो कांग्रेस का भविष्य दिखाई दे रहा है आपको, वो किस दिशा में जा रही है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है इस समय बहुत ही डायलमा से गुजर रही है। उसमें इतना उठा पटक है, चिंतन है अपने भविष्य को लेकर के। उनके जो नेता है वो अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा शशंकित है। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व बढ़ा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, उससे हमारी पार्टी संघर्ष करते हुए दिख नहीं रही है। तो जो 2020 था वो भारत कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत उठापटक वाला था। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें देखिए, आपने देखा होगा कि 23 वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जिसको जो कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़े कर दिए, और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा। क्या लिखा पत्र? कि ब्लॉक स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर अध्यक्ष तक के उस संगठन में बदलाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। क्योंकि लोग, ये हो रहा है कांग्रेस पार्टी में कि जो कार्यकर्ता है, जो मेहनत का कार्यकर्ता है, जो जिस संघर्ष कर रहा है, फील्ड में संघर्ष करता है, जो पब्लिक के सुख दुख में साथ देता है, उसके और बड़े नेताओं के बीच में अंतराल बहुत बड़ा है, बहुत अंतर हो गया है। और जो कुछ नेता ऐसे बीच में आ गए, बिचौलिए टाइप के नेता जो आ गए, वो बड़े नेताओं के गणेश परिक्रमा करके वो अपने पद को पा लेते हैं, वही लोग टिकट पा लेते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, और चाहे यहाँ तक कि नगर निगम के चुनाव में भी नेताओं का वर्चस्व होता है। जो गणेश परिक्रमा करते हैं वो नेता जो है, उनके समर्थक जो कार्यकर्ता है उनको टिकट मिल जाता है, और जो मेहनत कश कार्यकर्ता है वो वंचित हो जाता है। तो इसके बीच में जो इस उठापटक कांग्रेस में रही है वो बढ़ती गई 2020 में। कांग्रेस में जो कम नेतृत्व वाले अध्यक्ष हैं जी, उनका वर्चस्व काफ़ी दिनों से कायम है। राजीव गांधी के बाद अगर देखा जाए जी, तो सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं चाहते हैं कि उनका जो लीडर हो, उनका जो अध्यक्ष हो, कांग्रेस का अध्यक्ष हो, वो कमजोर प्रवृत्ति का हो। और उसी कड़ी में आज इनका भी समर्थन मिल रहा है कि राहुल गांधी को फिर दोबारा अध्यक्ष बनाया जाए। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, इस बात से हम सहमत नहीं है। क्योंकि सहमत इसलिए नहीं है कि एक डिमांड जो हुई है, जो 23 नेताओं ने, बड़े वरिष्ठ नेताओं ने, जैसे पी चिदम्बरम है, बड़े नेता है, और गुलाम नबी आज़ाद है, और जितने बड़े नेता है, यहाँ तक कि आपने आनंद शर्मा है, और यहाँ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं हुड्डा, दीपेंद्र सिंह के हुड्डा के पिताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता रहे हैं, उनको ये चिंता सता रही है कि ये जो है पार्टी को, अगर हमें मोदी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने हमें अगर मजबूत देना है, मजबूती देना है, नेतृत्व देना है, उनके सामने खड़ा होना है, तो हमारे कांग्रेस को पुराने नेतृत्व में, जिस तरह से पुराना नेतृत्व रहा है, चाहे मोतीलाल जी का रहा हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा हो, चाहे इंदिरा जी का रहा हो, राजीव गांधी के भी जमाने में लोगों की वक्त रहती थी, जो 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 जमीन का कार्य करता था वो डायरेक्ट उनसे एक्सेस होता था। अब क्या होता था कि अब बड़े नेताओं में, चाहे बड़े नेताओं में, इवन राहुल गांधी है, ये जो नेताओं का जो संकट था, नेताओं का जो संकट है, वो ये लोग चाह रहे हैं कि हमको जो हमारा अध्यक्ष हो वो फुल टाइम हो। और राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है कि वो कुछ समय तक तो राहुल मोदी के सामने खड़े होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, और जिस चीज का आंदोलन चल रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें वो ट्वीट करते हैं बहुत सामने, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर विदेश चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर 3-4 महीने के बाद, 1 महीने 1.5 महीने के बाद, आपने देखा होगा कि जब इंडिया में जब मेन स्ट्रीम जो भी संकट आता है उस समय राहुल गांधी या तो छुट्टी पर चले जाते हैं या अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी मैच्योर नहीं है भारतीय राजनीति के लिए, वो भी आज के परिप्रेक्ष्य में। नहीं, एक सवाल उठता है अभी फिर इसमें भी कि अगर ये इमैच्योर्ड हैं
तो बाकी सब नेता क्यों चाह रहे हैं कि फिर दोबारा उन्हीं को बनाया जाए? ये धड़ेबाजी की बात करें, दो लोग उनके साथ हैं जो उनके बहुत करीबी हैं, वो उनका अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए चाहते हैं कि राहुल गांधी बने। अच्छा, और एक जो कांग्रेस का जो बहुत बड़ा धड़ा है वो ये चाह रहा है कि अगर गांधी परिवार से अभी कार्यकर्ताओं में भी जो कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता है उसमें भी विश्वास नहीं बन पा रहा है, उसको लग रहा है, उसने देखा भी है, उसने ये देखा है कि अगर गांधी परिवार से कांग्रेस को हटा दिया जाए तो उसको फिर मेन स्ट्रीम में लाना और फिर सत्ता में वापस लाना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि गांधी परिवार का त्याग भी है, क्योंकि उस इंदिरा गांधी का हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, और जो भी जो मजबूत रही है वंशवाद की बात आरोप जो लग रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए, एक हद तक हटा दिया जाए, तो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, देश को। देखिए, कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 में जी, 1885 से लेके आज तक जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके वो WC बनर्जी थे, WC बनर्जी से लेके और आज तक का जो सफर है उसमें सबसे कमजोर कड़ी ये अपने राहुल गांधी लेके जाते हैं, जिनको कि समाज पप्पू के नाम से जानता है। तो जो पप्पू का आरोप है ये कैसे इस अपने विचारधारा से या फिर इस आरोप से कैसे अपने को अलग कर सकते हैं? अब देखिए, यही तो कहा जा रहा है, ये जो किसान जो सबसे बड़ा 23 नेताओं ने ये कहा कि आप चुनाव करा दीजिए, चुनाव में क्या होता है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, चुनाव में क्या होगा कि जिसको लोग चाहेंगे, कार्यकर्ता चाहेंगे या डेलीगेट्स चाहेंगे वो बनेगा अध्यक्ष। लेकिन अब क्या है कि आपको बताएं कि वो इन लोगों की सोच है, जो वरिष्ठ नेताओं की सोच है वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है वो ही चाहता है कि राहुल गांधी को आप पप्पू चाहे बेशक कर लीजिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो मोदी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जितना उन्होंने किया मोदी से लड़ना, अभी आप देखिए कुछ जो भी हो रहा है कि बीजेपी से जो विरोध कर रहा है उसमें वो लग जा रहा है, इनकम टैक्स के लोगों के पीछे पड़ा रहा है, ईडी के लोगों के पीछे पड़ रहा है, सारे लोगों इनके भी परिवार के पीछे पड़ना। अब मोदी से मोदी के सामने खड़ा होना, मोदी का विरोध करना अगर कोई दिखाई दे रहा है तो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि राहुल गांधी को अगर हटा दिया जाए तो कोई ऐसा नेता नहीं है। अब आपने देखा कि जो 23 नेताओं ने पत्र लिखा है उसमें ज्यादातर लोग जो है वो उनके कुछ न कुछ मुकदमेबाजी है। तो मैंने आपसे कहा कि आप जैसे आप देखिए जो 23 नेताओं में से मैंने बताया, अब आप देखिए पी चिदम्बरम को देखिए, पी चिदम्बरम भी फंसे हुए हैं और उनका बेटा भी फंसा हुआ है ना, तो ये इनको कांग्रेस पार्टी में ये लग रहा है कि ये जो नेता है आनंद शर्मा को भी देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको बताया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखिए, बहुत सारे मुकदमे हैं, क्या ये लोग गलत फंसे हुए हैं? नहीं, फंसे हुए नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि ये राजनीतिक छापा है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि फंसे हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो कानून है, कानून का फंदा तलवार लटका हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस के नेताओं में, कुछ नेताओं में जो धड़ेबाजी हो रही है उसमें कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो अलग हो गए और ये लोग जो कर रहे हैं कि राहुल गांधी को नहीं होना चाहिए, संगठन में चुनाव होने चाहिए, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग उनसे कृपा चाहते हैं, मोदी पर कृपा इनकी बरसी रहे, इसलिए वो अलग होकर के प्रेशर बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल को लोग बलि का बकरा बना रहे हैं पार्टी का लोग? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि मोदी खुद चाहते हैं कि राहुल सिर्फ जिंदा रहे ताकि उनकी राजनीति चलती रहे? तो ये तो उन्होंने, आपने सही कहा, 2019 में 2014 से ही जब मोदी आए हैं तब से राहुल गांधी को अगर कांग्रेस पार्टी को किसी ने जिंदा रखा है तो मोदी ने जिंदा रखा हुआ है, बीजेपी को जिंदा रखा, अच्छा कांग्रेस को जिंदा रखा है, क्योंकि हर चुनाव में हर जनसभाओं में मोदी राहुल गांधी को सामने रखते हैं, कांग्रेस को सामने रखते हैं। उसका नुकसान क्या हुआ कि जितने बड़े पार्टियां थी, चाहे ममता बनर्जी हो साइड हो गई, बड़े नेता जितने थे, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे बीजू जनता दल का, आप देखिए नवीन पटनायक, बड़े नेता क्षेत्रीय पार्टियों, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थी सब अलग हो गई, केवल आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस वर्सेज हो गई। उससे 2019 में कांग्रेस को फायदा हो गया, आपको याद होगा 2014 में 44 सीटें मिली थी और अब की बार सीटें बढ़ गई, 64 सीटें हो गई। लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है कि अब एक आदमी को हलाल करना है ताकि पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। नहीं, बीजेपी अब तो ये कह रही है कि हमें भैया कांग्रेस से कोई लेना देना, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई है। लेकिन सबसे बात, अगर कांग्रेस को कमजोर होती है तो देश कमजोर होता है, मेरा ये मानना है, मैं सोचता हूँ कि अगर कांग्रेस कमजोर होती है, जितना बड़ा संगठन जितनी मजबूती से सत्ता पक्ष है उतनी ही मजबूती से विपक्ष होना चाहिए। ये पूरी दुनिया में आप देखिए, पूरी दुनिया में कि जितना पूरी दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र मजबूत हुआ है, चाहे जर्मनी हो चाहे जापान हो, कहीं भी आप देखिए, अमेरिका में देखिए, यूनाइटेड कहा जाता है,
लेकिन यूनाइटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग उसके विचारधाराओं के, सभी लोग उसके बाइडेन को लेकर के और ट्रंप को लेकर के कितना विरोध हो रहा है। तो जितना विरोध होता है उतना संगठन लोकतंत्र मजबूत होता है। तो कांग्रेस की चिंता, कांग्रेस के लोगों की जो चिंता है वो बहुत वाजिब है। कांग्रेस में चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस में अच्छे नेताओं को आना चाहिए। राहुल गांधी को हम एक तरह से पप्पू कह दें, कुछ भी आरोप विपक्ष लगाए, लेकिन हम नहीं कर सकते। वो दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा में प्रतिनिधित्व अच्छा करते हैं, और अगर उनकी पार्टी उनको दोबारा चुनती है तो उनका संगठन उनका मैटर है। चलिए, मैंने मान लिया कि राहुल गांधी मोदी के लिए फिट हैं और मोदी राहुल गांधी के लिए फिट चल रहे हैं अभी। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की जो धुरी है वो डायनेस्टी के इर्द गिर्द घूम रही है? देखिए, वंशवाद पर आरोप तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली कांग्रेस पर वंशवाद ही है। आप बीजेपी को देख लीजिए, आप जो है आपने देखा होगा डॉक्टर रमन सिंह का लड़का लोकसभा में चुनाव जीत के आया है। आपने वहाँ के राजस्थान के जो एक चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा, उनका बेटा, उनका यही कहना होता है, बीजेपी का तो यही कहना होता है कि भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र में हम काम करते हैं, लोकतंत्र आंतरिक लोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव करते हैं। नहीं जी, आप ये चीजें कांग्रेस में क्यों नहीं? आप ये कहिए, आप ये देखिए कि जब लोकतंत्र पर सवाल पूछे जाते हैं, जब वंशवाद पर बात की जाती है बीजेपी से, तो बीजेपी यही कहती है कि जो हमारे नेता है उनके परिवार के जो लोग आए हुए हैं वो डिजर्व करते हैं। तो ये बात तो लोकसभा कांग्रेस में भी लागू होती है ना। इस समय राहुल गांधी डिजर्व कर रहे हैं। 2021 का मेरा मानना है कि कांग्रेस 2021 में कई सारे राज्यों में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, इस तरह से उसको आगे अपने भविष्य को देखना है तो उसको संगठन में मजबूती लानी होगी। लोगों की बात करनी, हमें बहुत खुशी की बात है जो शनिवार को मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी ने अपने विरोधियों को, सोनिया गांधी ने बुलाया था, उसमें अपनी बात रखी है, सबको मनाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि मामला शांत हो जाएगा और सब लोग यूनाइट होंगे। जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता कांग्रेस का बिगड़ता जा रहा है जी, क्या रीजन है? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कि ना अब कोशिश की जा रही है, नए प्रयास किए हैं। सोनिया गांधी ने जो बिखरने वाली कोशिश हुई थी, सोनिया गांधी ने सबको बुलाया था सर भाई, इसी को लेकर तो निराशा है कि नया प्रयास कर रहे हैं, नेता को लेके आप कर रहे हैं, उसी नेता को लेके कर रहे हैं जिसका कि इमेज सामने है। नहीं, वो आप देखिए ना, आप इमेज की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मानना यह है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी ये नहीं माना जा रहा है, अगर कांग्रेस में सभी आम सहमति बन जाती है राहुल गांधी पर तो अच्छी बात है कांग्रेस पर, क्योंकि अगर उसमें आम राय नहीं बन पाएगी दूसरे नेता को लेकर के, राहुल गांधी पर तो बन जाएगी लेकिन दूसरे नेताओं पर आम राय नहीं बन पाएगी, और आम राय नहीं बन पाएगी तो उठापटक बढ़ती जाएगी, तो फिर उसमें आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचेगा कांग्रेस को। तो कांग्रेस के लोग होशियार भी, ऐसी बात नहीं है कि उनको राजनीतिक समझ नहीं है, अब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो चलिए, यह रही एक्सपर्ट ओपिनियन कि राहुल गांधी ही एक सब्स्टिट्यूट है कांग्रेस में और कांग्रेस इन पर भरोसा करते हैं और भरोसा और ये भरोसा आगे जारी भी रहेगा। आगे आने वाले चुनाव हैं और चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसकी पूरी पूरी संभावनाएं हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि निश्चित तौर पे कांग्रेस आगे सफल होगी अगर नेतृत्व में अपना परिवर्तन करती है, अगर नेता एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और इसका परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।